हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अल्फ़ा स्टडी चैनल पर। जो मेरे भाई बंधु यूट्यूब पर मोबाइल से एजुकेशनल वीडियो बनाना चाहता है, उसके मदद के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। क्या होता है, कभी कभी एजुकेशनल वीडियो बनाने के दौरान हमें स्क्रीन पर इमेज लाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इमेज स्क्रीन पर कैसे लाए, इस समस्या का समाधान करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, जिस प्रकार से हम आपके सामने स्क्रीन पर इमेज लाए हैं, इसी तरह आप भी अपना स्क्रीन पर इमेज ला सकते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है फ्लोटिंग इमेज ऑन स्क्रीन। आप जैसे टाइप कीजिएगा, आपके सामने बहुत सारे ऐप्स खुल जाएंगे। तो जो है, आप इस लोगो को ध्यान में रखिएगा, ये वाला लोगो जो है, इसको आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस तरह से खुल जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। आप लोगो अच्छा से देख लीजिए, गैलरी फ्लोटिंग इमेज एंड वीडियो ऑन स्क्रीन। तो इसमें वीडियो और इमेज दोनों ही आप फ्लोटिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फ्लोटिंग इमेज के थ्रू ही हम वीडियो बना रहे हैं, और ये सारे इमेज जो है, ये फ्लोटिंग इमेज के थ्रू ही यहाँ पे लाए हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद सिंपली आप इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन कीजिएगा, तो कुछ इस तरह से खुलेगा। तो आपको अगर इमेज करना है, दरअसल ज़्यादातर इमेज का ही ज़रूरत पड़ता है एजुकेशनल वीडियो बनाने के दौरान। तो आपको ऑल इमेजेस पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप ऑल इमेजेस पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने जो है, इस तरह से बहुत सारे इमेज खुल जाएंगे, जितने आपके गैलरी में इमेज है। तो आपको जिस इमेज को फ्लोटिंग करना है, जिस इमेज को स्क्रीन पे लाना है, उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने इस तरह से खुल जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो देख रहे हैं फ्लोटिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, ये फ्लोट हो जाएगा और ये इस तरह से स्क्रीन पे आ जाएगा, इस तरह से स्क्रीन पे आ जाएगा। आप इसे जूम कर सकते हैं, और आने स्क्रीन पे आने के बाद आप जो है, इस पर डबल टैप करके इसको हटा सकते हैं। दो बार क्लिक करके आप इसे हटा सकते हैं। जैसे दो बार आप क्लिक कीजिएगा, ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो बस आज भर के लिए इतना ही जानकारी देना था। अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो आप बताएं, और इस ऐप्स का जो डाउनलोड करने का लिंक जो है, वो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, और डिस्क्रिप्शन में जाके आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस तरह से सर्च कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। तो इस तरह से आप जो है, वीडियो या इमेज को आसानी से स्क्रीन पर लाकर एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ जानकारी देने में कमी रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए, उसका सुधार के लिए प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।